अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद सना। आज हम व्हील पैटिस बना रहे हैं, चिकन व्हील पैटिस। उसके लिए सबसे पहले हमें हाफ कप मैदा चाहिए होगा, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 2 टेबलस्पून हमें ऑयल चाहिए होगा और हम 1 कप दूध या हसब ज़रूरत दूध हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल शामिल कर दिया, इसके नीचे मीडियम फ्लेम चल रही है और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें मैदा शामिल कर रही हूँ। मैदा शामिल करके हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। व्हील पैटिस के लिए हम ये बैटर तैयार कर रहे हैं, उसके लिए हम मैदा जो है फ्राई कर रहे हैं। मीडियम फ्लेम पे मैं इसको थोड़ा सा भून रही हूँ। ये मैंने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई किया है। अब मैं इसके अंदर दूध शामिल कर रही हूँ। हम एकदम सारा शामिल नहीं कर देंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। ये मैंने इसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर दिया है, आहिस्ता आहिस्ता मैं इसमें सारा शामिल कर दूंगी। हम इसको हिलाते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें सारा दूध शामिल कर दिया है। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको यहाँ इस तरीके से चम्मच की मदद से मैश करें और अपने बैटर को तैयार कर लें, वरना अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको जग में डालकर जूसर में मशीन में तो इसको ग्राइंड कर सकते हैं। मैंने भी जितना भी मिक्सचर था मैंने उस सबको अपने जूसर के जग में डालकर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब मैं मेज़े को दोबारा से पैन में डाल रही हूँ। ये इसमें सारा बैटर मैंने शामिल कर दिया। अब इसमें नमक और काली मिर्च डाल देंगे। एक बात यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर दूँ, वो ये कि जब हम इसमें इसको हम बैटर को ग्राइंड कर रहे होंगे जूसर मशीन में, तो एक बात का ख्याल रहे, अगर आपका दूध कम पड़ जाए और अमेज़ा जो है वो आपका थिक सा हो जाए तो आप इसमें दूध और शामिल कर सकते हैं। ये बैटर में मैंने नमक और काली मिर्च शामिल करके इसको 2-3 मिनट तक मैं इसको हिलाऊंगी। मीडियम फ्लेम अभी भी इसके नीचे मैंने चलाई है। मैंने 2-3 मिनट तक अच्छे से हिला लिया है, तो ये हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब हमें 1 कप चिकन चाहिए होगा रेशे किए हुए, जो मैंने नमक और काली मिर्च डालकर बॉईल कर लिया था। 2 बड़ी गाजरें चॉप की हुई चाहिए होंगी और 2 बड़ी हमें शिमला मिर्चें चॉप की हुई यहाँ पे ली हैं। अब ये बैटर के नीचे मैंने हल्की सी आंच चला दी है, नमक मिर्च हम इसका टेस्ट कर लेंगे और इसके अंदर हम चिकन, शिमला मिर्च और गाजर शामिल कर देंगे। ये चिकन आ गया, ये शिमला मिर्च और गाजर हमने इसमें डाल दिए। अब हम इसको 3-4 मिनट के लिए हल्की सी आंच पर मिक्स करेंगे, नमक मिर्च हम इसका टेस्ट कर लेंगे। हल्की सी आंच पर हम इसको इस तरीके से हिलाते जा रहे हैं। नमक मिर्च हम इसका टेस्ट कर लेंगे और सेट कर लेंगे अपने मुताबिक से, जितना पसंद करते हैं। ये थोड़ा सा थिक हो जाए तो हम इसको जो है उतार लेंगे। गाजर और चिकन वगैरह शामिल करने से पहले आपका अमेज़ा जो है थिक हो जाए बहुत ज़्यादा, तो आप इसमें दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बैटर हमारा तैयार हो चुका है, इस तरीके से ये थिक होना चाहिए। अब मैं इसकी जो फ्लेम है वो ऑफ कर रही हूँ। बैटर हमारा रेडी हो चुका है, तो अब हमें ब्रेड चाहिए होगी। ब्रेड मैंने हसब ज़रूरत ली है और हमें इस तरीके से ब्रेड को काट लेना है। इस तरीके से राउंड शेप में हम काटेंगे और इसको किस तरीके से काटेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी राउंड शेप की चीज़ लेकर, मैंने ये ग्लास लिया है स्टील का, मैं इसके ऊपर रख दूँगी। तरीके से ये राउंड शेप में सेप आ जाएगी और ये साइड्स हम इसकी अलहदा कर लेंगे। ये हमारा व्हील का जो पैटिस का बाहर वाला होगा ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमें 2 अंडे चाहिए होंगे। अब ये जो ब्रेड की साइड्स हैं हम इसे वेस्ट नहीं करेंगे, हम इसका ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। इसके बहुत अच्छे ब्रेड क्रम्स बनते हैं, इसको इसलिए हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये मैंने सभी साइड्स को चॉपर में डाल के इनको ग्राइंड कर लिया है, तो ये हमारे ब्रेड क्रम्स बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं। अब इस तरीके से मैंने ये एक शेप का राउंड पीस लेकर इसके ऊपर बैटर रख दूँगी जो हमने रेडी किया है। हमारा जो बैटर है हम इसको 1 से 2 दिन के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। बच्चों के लंच में, टिफ़िन में देने के लिए ये बहुत अच्छी डिश है, बच्चे बहुत खुश होकर इसको इंजॉय कर सकते हैं। ये इस तरीके से मैंने इसको बीच में रख के हमें इसको, ये इसका दूसरा पीस मैं इसके ऊपर रख दूँगी। इसी तरीके से मुझे जितने पैटिस बनाने हैं मैं उतने पैटिस रेडी कर लूँगी। जो पैटिस हमने रेडी किए हैं वो हम अंडे में अंडा हमने फेंट लिया है, उसमें हम डिप कर रहे हैं। ये अच्छे तरीके से हम इसको डिप करने के बाद इन ब्रेड क्रम्स में शामिल कर देंगे।
और इसके ऊपर अच्छे से ब्रेड क्रम्स को स्प्रेड कर देंगे। इसी तरीके से हम सभी पैटिस के ऊपर अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। ये मैंने पैटिस तैयार कर ली हैं, सभी को ब्रेड क्रम्स भी मैंने लगा लिया है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। ये हमने पैन में ऑयल ले लिया है, हसब ज़रूरत तकरीबन 2 कप लिया है फ्राई के लिए। अब इसके नीचे मीडियम फ्लेम चला दी है और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें पैटिस ऐड कर रहे हैं फ्राई के लिए, बहुत एहतियात के साथ। दोनों साइड से हम इन्हें ब्राउन कलर में फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हम इसको कलर में फ्राई नहीं कर देंगे। इस तरीके से हम दोनों साइड्स की जब हल्की हल्की ब्राउनिश हो जाएंगी, मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। मीडियम फ्लेम पे मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। दोनों तरफ से जब ब्राउन हो गए थे तो मैंने इन सबको डिश आउट कर लिया है। बहुत टेस्टी और मज़ेदार पैटिस हमारे रेडी हो चुके हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।